18th October 2022 एक ऐतिहासिक दिन था ये विमेंस क्रिकेट के लिए. Now why do I say this? Well, the women's IPL जिसका हम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे that became official on Tuesday. So उसको लेके हम सब काफी excited है. What are the updates? I know that you guys want to know everything about it and there are two big updates. What are those updates? Don't worry, we've got you covered. Let's know about the first big update then. पहला अपडेट है regarding the bidding process. So, as reported by Cricbuzz, the BCCI is planning to conduct a open bidding process for the women's IPL. So, what does this mean? Well, अब इसके चलते, it's going to be an open market जहां पे the existing 10 IPL teams will not have the first say to pick up a team in the women's IPL. हम जानते हैं कि काफी लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया था टू बी अ पार्ट ऑफ दिस बिडिंग प्रोसेस, वेदर इट्स रोनी स्क्रू वाला, अडानी स्पोर्ट्स लाइन और ओडिशा स्पोर्ट्स, एंड नाउ दे विल हैव अ बिग से हियर. सो अ वेरी बिग न्यूज फॉर ऑल द न्यू पार्टीज हु आर इंटरेस्टेड, इजंट इट? तो क्या है वो बड़ा सेकेंड अपडेट, लेट मी टेल यू. वेल, विमेन्स आईपीएल के लिए प्लेयर ऑक्शन नहीं होने वाला है. जिस तरीके से हमने देखा है कि मेन्स आईपीएल में प्लेयर ऑक्शन होता है, वैसा विमेन्स आईपीएल में नहीं होने वाला है. इट इज गोइंग टू बी अ ड्राफ्ट प्रोसेस. द बीसीसीआई इज थिंकिंग टू गो अहेड विद दिस ड्राफ्ट प्रोसेस. स्ट्रक्चर तो सेम रहेगा, जहां पे हर टीम को 18 प्लेयर्स का सेटअप तैयार करना होगा, जिसमें मैक्सिमम ऑफ 6 ओवरसीज प्लेयर्स वो टीम्स साइन कर सकती है. वेल, मैं जानती हूँ कि हम सब इस टूर्नामेंट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और इससे रिलेटेड सारे अपडेट्स भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं. और आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, इवन इफ यू मिस एनी अपडेट, वी विल गेट यू कवर्ड विद ऑल दी अपडेट्स. उसके लिए आपको सिर्फ जुड़े रहना होगा विमेंस क्रिक जोन के साथ.